केक खाना तो हर किसी को पसंद होता है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े। लेकिन मैदे की वजह से हर कोई केक खाना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गेहूं के आटे का केक। ये बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से बनाएंगे, बहुत ही सिंपल रेसिपी है, तो चलिए बनाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस वरुण किचन। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और बाउल में सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे। 1/4 कप हमने ये ऑलिव ऑयल लिया है। आप ऑलिव ऑयल की जगह पर सनफ्लावर ऑयल या फिर घी भी ले सकते हैं। और साथ में 1/4 कप हम दही लेंगे और हमने 1/2 कप गर्म पानी लिया है, हल्का गुनगुना है। और इसमें 1/2 टीस्पून हम कॉफ़ी डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। कॉफ़ी से क्या है, केक का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, बहुत टेस्टी केक बनता है। और अब हम इस कॉफ़ी वाटर को इसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे और हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे कि सारी चीज़ें एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। और अब हम ड्राई चीज़ें डालेंगे। अब हमने चलनी ली है और इसमें हम 1.5 कप आटा डालेंगे। आप 1.5 कप आटे की जगह पे 1 कप आटा और 1/2 कप मैदा भी ले सकते हैं, दोनों चीज़ों को मिक्स करके भी बना सकते हैं। और 2 टेबल स्पून हमने इसमें कोको पाउडर डाल दिया है, इससे क्या चॉकलेट केक बहुत ही अच्छा बनेगा। और 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे और 1 टीस्पून हमने बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। और अब हम इन सभी चीज़ों को एक साथ छान लेंगे। देखिए, एक साथ छानने से क्या, सारी चीज़ें एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाती हैं, तो केक भी बहुत स्पंजी बनता है। इन सबको एक साथ बहुत अच्छे से हम मिक्स करेंगे, जिससे कि बैटर बहुत स्मूथ बन जाना चाहिए। तो इसमें हम 1 कप दूध लिया, थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा सा गुनगुना दूध ही लेना, एकदम ठंडा दूध नहीं लेना। और अगर रूम टेम्परेचर पर हो तो सबसे बेस्ट है। सारी चीज़ें हमें रूम टेम्परेचर पर ही चाहिए होती है केक बनाते समय, ये ध्यान रखिएगा। तो सभी चीज़ों को हमने एक साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी हमने इसमें वनीला एसेंस नहीं डाला था, तो इसमें थोड़ा सा हम वनीला एसेंस भी डाल लेते हैं 1/4 टीस्पून के अकॉर्डिंग। तो इसको भी एक बार और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए, स्मूथ बैटर बनके तैयार हो चुका है इस तरीके से। देखिए, बिल्कुल अच्छे से बढ़िया स्मूथ बैटर बन गया है। इस तरीके से बना लेना है हमें, बिल्कुल लम्स फ्री, इसमें एक भी लम्स नहीं है ना, बिल्कुल ऐसे ही बैटर चाहिए हमें। अब इसमें हम चोको चिप्स हैं आपके पास तो आप उसमें वो ऐड कर सकते हैं। और ये मेरे पास चोको शेविंग्स रखे हुए थे, मैंने वही इसमें ऐड करूँगी। तो देखिए, 1/2 कप के अकॉर्डिंग हम इसमें चोको शेविंग्स डाल देंगे, इससे क्या चॉकलेट केक की और भी अच्छा चॉकलेट केक बनता है। इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, इस तरीके से चॉकलेट शेविंग्स या चोको चिप्स वगैरह डाल देते हैं तो बहुत अच्छा केक लगता है। और बच्चों को तो वैसे ही चॉकलेट बहुत पसंद होती है। तो देखिए, अभी हम इस केक बैटर में शुगर पाउडर नहीं डाला था, तो 1/2 कप हम इसमें शुगर पाउडर ऐड कर दिया है और इसको एक बार बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपके साथ भी ऐसी गलती हो जाती है शुगर पाउडर, जैसे मैंने डालना भूल गई थी पहले, तो इसमें इस समय भी डालने से इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता, तो आप भी इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई चीज़ पहले आगे पीछे हो जाए, उससे कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए, इसको हमने एक बार बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है, तो केक बैटर बहुत बढ़िया तरीके से बन के तैयार हो चुका है। तो देखिए, अब हमने इसमें केक टिन लिया है, केक टिन को हमने पहले से ही ग्रीस कर लिया था और इसमें बटर पेपर भी लगा दिया है। तो अब सारा केक बैटर हम इसी के अंदर पोर कर देंगे। तो देखिए, बैटर बिल्कुल स्मूथ बना ना, तो बस ऐसा ही केक का बैटर होना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ। तो इसको हल्का सा टैप करेंगे और ऊपर से हम इसके ऊपर चोको चिप्स ऐड कर देंगे। और एक बार इसको अच्छे से इसके ऊपर से थोड़ा सा इसको मिक्सअप कर देंगे, जिससे क्या चोको चिप्स बेक करते समय जल जाते हैं, तो इससे क्या कड़वा बन आ जाता है। तो इस तरीके से कर देते ना, चोको चिप्स जलती भी नहीं है और केक और भी अच्छा लगता है। तो देखिए, हमने ओवन को पहले से ही प्रीहीट कर लिया था। मेरे पास सैमसंग का माइक्रोवेयर है, इसको हमने कन्वेंशन मोड पर सेट कर लिया था और 180 डिग्री पे इसको अच्छे से गर्म कर लिया था। तो उससे हमने 35 से 40 मिनट के अंदर हमारा केक बेक होके तैयार हो जाएगा इसमें। तो देखिए, 35 से 40 मिनट हो चुके हैं और केक अच्छे से प्रॉपर तरीके से बेक हो चुका है। अब इसको हम बाहर निकाल देंगे। तो देखिए, केक को हमने 40 मिनट बाद बाहर निकाल के रख दिया था और इसको ठंडा भी कर लिया और केक प्रॉपर तरीके से ठंडा हो चुका है। केक बहुत ही अच्छा बना, बहुत ही स्पंजी केक है। तो देखिए, अब हम केक को डीमोल्ड करेंगे। हम नाइफ से चारों ओर से इसको कर देंगे इस तरीके से, जैसे कि ये चारों साइड अपने छोड़ देगा। और अब हम केक को डीमोल्ड करेंगे और ऊपर से हम बटर पेपर को भी रिमूव कर देंगे। तो देखिए, इसमें देखिए बटर पेपर हटाते हैं और ऊपर दिख रहे हैं छोटे छोटे होल्स दिख रहे हैं, ये अच्छे छोटे छोटे एयर पॉकेट्स बने हुए हैं, जिससे कि उसे पता चल जाता है केक हमारा प्रॉपर तरीके से बेक हुआ है, बहुत ही स्पंजी केक बन के तैयार हुआ है।
तो एक बार आप इस तरीके से केक बनाइए, केक बहुत ही स्पंजी और सॉफ्ट केक बनेगा और बिल्कुल मार्केट जैसा केक बनके तैयार होता है। और आटे का केक है तो वैसे ही हेल्दी है, तो हेल्दी केक है तो सभी लोगों को बहुत पसंद आएगा और आपकी फैमिली को भी अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखिए केक बहुत ही स्पंजी बना है, मन कर रहा है ना आपका भी खाने का, तो एक बार इस तरीके से आटे का केक बना के देखिए, बहुत ही स्पंजी और सॉफ्ट केक बनता है। मैदी का केक तो सभी लोग मार्केट में इजीली मिल ही जाते हैं लेकिन आटे का केक नहीं मिलता और ये बहुत ही हेल्दी रहते हैं। तो एक बार इस तरीके से अपनी फैमिली के लिए बनाइए, अपने घर में अपने बच्चों के लिए, सभी को बहुत पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपनी फैमिली और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए चॉकलेट केक बनके तैयार हो चुका है, बहुत ही स्पंजी है। मैं आपको दिखाया ना, देखिए वो अपनी हम प्रेस कर रहे हैं और वापस से वही साइज़ प्रॉपर ले रहा है, तो मतलब केक बहुत ही अच्छे से बेक हो चुका है। तो एक बार ट्राई करके देखिए, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा, आपकी फैमिली को बहुत अच्छा लगेगा। ओके बाय, थैंक यू।